ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी कटोरे केक बने हैं। जय जोहार संगी हो, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल अपने किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कटोरी केक बनाने वाली हूँ, वो भी 10 मिनट में। इस केक को बनाने में बहुत ही कम सामान लगता है और बहुत ही कम समय में ये आसानी से बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या सामग्री चाहिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कटोरी केक बनाने के लिए 10 रुपए वाला ओरियो बिस्किट ले ली हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर 2 पैकेट ओरियो बिस्किट ली हूँ, 1 पैकेट इनो का ले ली हूँ, 1 कप दूध ले ली हूँ और कटोरियाँ ले ली हूँ। यहाँ पर मैं गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इसमें नमक डाल देंगे। ये नमक केक बनाने में यूज़ हो चुका है, इसलिए इसका कलर डार्क है। अब इसे हम अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए अब इसमें एक स्टैंड को रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे। अब इसे हम प्री हीट होने देते हैं कुछ देर के लिए। अब यहाँ पर मैं कटोरियों में ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए सभी कटोरियों में ऑयल से ग्रीस करके रख देना है। ये देखिए सभी कटोरियों में ऐसे ही ग्रीस करके रख लेना है। यहाँ पर मैं कटा हुआ बादाम ली हूँ गार्निशिंग के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब सबसे पहले एक जार लेंगे और सभी बिस्किट को तोड़ तोड़ कर इसमें डाल देंगे। ये देखिए सभी बिस्किट को डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब एक बाउल लेंगे और इस ग्राइंड किए हुए पाउडर को हम डाल देंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालना है, नहीं तो ज़्यादा पतला हो जाएगा हमारा बैटर। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए हमें ऐसे ही चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब इसमें 1/4 चम्मच इनो डाल दूंगी। ये देखिए और इस इनो के ऊपर 1/2 चम्मच दूध डाल दूंगी। ये देखिए इसी के ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए बिल्कुल बबल्स आ गए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये अभी से फ्लफ़ी हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। 1/2 कप दूध ही इसमें यूज़ हुआ है। अब कटोरिया ले लेंगे और इसमें 1/2 तक हम भर लेंगे, इस घोल को डाल देंगे। ये देखिए सभी कटोरियों में ऐसे ही 1/2 तक डाल देना है, 1/2 कटोरी तक, और बादाम से गार्निशिंग कर लेंगे। अब इसे एक बार हम टैप कर लेंगे ताकि ये बराबर बैठ जाए। अब इसे हम कढ़ाई में डाल देते हैं। बड़ी सावधानी से इसे डालना रहेगा क्योंकि ये बहुत ही गर्म रहता है कढ़ाई। अब इसे हम ढककर 10 मिनट से 10 से 12 मिनट तक इसे पका लेंगे। 10 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे कि ये पका है कि नहीं। ये देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये पका हुआ है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये पका है कि नहीं अंदर तक। मैं यहाँ पर टूथपिक से चेक कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच चेक करना है। ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब ये केक बन चुका है। 10 मिनट में ही ये पक चुका। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए वाओ, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये देखिए मैं आपको ये दबाकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।